छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब कर्नाटक में भी मायावती के अलग राह पकड़ने के संकेत मिल रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सूबे में बीएसपी के विधायक ने बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक में इकलौते विधायक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एन महेश ने कहा कि बीएसपी राज्य की सभी 28 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इस बयान से सूबे की राजनीति गर्मा गई है। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस के साथ बसपा का भी गठबंधन है। इस गठबंधन के बाद माना जा रहा था कि अब आगामी लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन को मजबूती मिलेगी, लेकिन बसपा के एक विधायक के बयान के बाद महागठबंधन खतरे में नजर आ रहा है। बसपा विधायक और कर्नाटक में मंत्री एन महेश ने कहा कि बीएसपी राज्य के सभी 28 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। शिक्षा मंत्री महेश ने जेडीएस के साथ भी किसी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया है। मायावती के मंत्री का यह बयान कांग्रेस के साथ जेडीएस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जेडीएस के साथ बसपा का विधानसभा चुनाव से पहले ही तालमेल हो गया था। चामराजनगर की कोलजीत सीट से चुनाव में जीतने वाले बीएसपी के अकेले विधायक एन महेश को मंत्री बनाया गया था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अगर मायावती मुझसे पद छोड़ने को कहेंगी तो मैं छोड़ दूंगा। हमने फैसला ले लिया है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि जब एचडी कुमार स्वामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस दिन मायावती समारोह में शामिल हुई थी और ऐलान किया था कि कर्नाटक में होने वाले सभी चुनावों में बसपा, कांग्रेस और जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब उनके मंत्री अलग बयान दे रहे हैं। वहीं उनके बयान पर जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और सभी एकजुट हैं। खैर, नेता तो सब कुछ ठीक होने का दावा कर ही रहे हैं, लेकिन ये दोस्ती कितने दिन चलती है ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।